एमएनएस न्यूज लाइव पर देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। चक्रवात प्रभावित रायगढ़ के लिए महाराष्ट्र सीएम ने किए ₹100 करोड़ की त्वरित राहत का ऐलान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को चक्रवाती तूफान निसर्ग से प्रभावित हुए रायगढ़ जिले का दौरा किया और नुकसान का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने जिले के लिए ₹100 करोड़ की त्वरित राहत का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि नुकसान का आकलन पूरा करने के बाद राहत पैकेज के लिए केंद्र सरकार से संपर्क किया जाएगा। मार्च 2021 तक विशेष पैकेज के अलावा कोई योजना नहीं, कोविड-19 के बीच वित्त मंत्री। वित्त मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान, पीएम गरीब कल्याण पैकेज व विशेष पैकेज को छोड़कर सभी मंत्रालयों व विभागों को 2020 से 21 में किसी नई योजना का प्रस्ताव नहीं देने को कहा है। बतौर मंत्रालय कोविड-19 को देखते हुए लोक वित्तीय संसाधनों की अप्रत्याशित मांग है, वही वजह 2020 व 21 में घोषित योजनाएं भी 31 मार्च 2021 तक निलंबित की गई है। हजार हाथियों की हत्या करने वाले वीरप्पन की बेटी बीजेपी में है कांग्रेस। केरल में गर्भवती हथनी की मौत पर सियासत के बीच कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया है कि वन तस्कर वीरप्पन ने 1000 से अधिक हाथियों को मारा था। सिंघवी ने लिखा, जब वीरप्पन के अपराध चरम पर थे तब उनकी बेटी उसके अपराधों से अवगत थी और आज उसकी बेटी बीजेपी की सम्मानित सदस्य है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।